हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट फैंक। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है बेस पावर सप्लाई 2 एम्पीयर का है। ये पिक्सेल एलईडी लाइट या किसी भी पावर सप्लाई के लिए आप यूज करते होंगे, या आपका पावर सप्लाई 2 एम्पीयर का इस तरह का है तो डेड हो गया है। तो आज इस वीडियो में पूरा सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे कि इजीली इसको रिपेयर कर पाएंगे, और सारा चीज़ चेक करने के बारे में बताऊँगा कहाँ से क्या प्रॉब्लम आता है और क्या प्रॉब्लम से इसको ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड, आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा तभी जाकर आप समझ पाएंगे और इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ भी। तो देखिए फ्रेंड, इस पावर सप्लाई में यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर और ये ट्रांजिस्टर जो है जिस पे मैंने अभी हाथ रखा, ये सारा चीज़ ख़राब है। और यहाँ पे कुछ छोटा मोटा चीज़ है जिस जो ख़राब होने से ये सारा चीज़ को डेड कर देता है, लेकिन इसमें कोई भी ज़्यादा कम्प्लेक्स सर्किट इसमें नहीं है फ्रेंड, जो कि इजीली आप यहाँ पे रिपेयर कर पाएंगे। एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ और एक छोटा सा ट्रांजिस्टर है, और एक 2 डायोड और एक जीनर डायोड और 4 डायोड लगे हुए हैं, जिसको रिपेयर करना बहुत ही आसान है आपके लिए। कोई भी इजीली रिपेयर कर सकता है फ्रेंड, अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो। और मल्टीमीटर तो आपके पास कंपल्सरी होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं। यहाँ पे एक माइका का भी उपयोग होगा और एक ट्रांजिस्टर जो है, सेम नंबर का ट्रांजिस्टर आपको मार्केट में मिलेगा लेकिन थोड़ा सा अलग मिलेगा। तो इससे आपको घर पर घबराना नहीं है कि हमको सेम नहीं मिल रहा, काम आपका कर जाएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में सेट करेंगे और इसको होल्ड करके डायोड मोड में सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर 4 डायोड आपको नज़र आएगा जो कि शॉर्ट है, जितना बार भी आप फ्यूज लगा रहे होंगे बार बार फ्यूज उड़ जा रहा होगा। तो इस डायोड को चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर डायोड पूरा पूरी शॉर्ट मेरा बता रहा है। तो इस डायोड को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, रिमूव करके न्यू लगाना होगा। तो ये चारों का चारों डायोड यहाँ पर रिमूव करके, यार जो डायरेक्शन में लगी सेम उसी डायरेक्शन में आपको लगाना, गलत लग जाएगा तो आपका काम नहीं करेगा, फिर से आपका फ्यूज उड़ेगा, ऐसा हो सकता है आपके साथ, उस चीज़ को ध्यान रखें। अब यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर था हमारे पास, ये जो कि मैं दिखाया पहले, ये ट्रांजिस्टर भी हमारा शॉर्ट हो चुका है जो कि मैं दिखाता हूँ आपको चेक करके। और इस पावर सप्लाई में ऐसा और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इतना लगाने के बाद आपका जो पावर सप्लाई ठीक हो जाएगा। हो सकता है ज़्यादा प्रॉब्लम होने से आपको उलझन हो सकता है, लेकिन जल्दी से ऐसा उलझन नहीं होता है फ्रेंड। तो देखिए हमारा न्यू ट्रांजिस्टर का वैल्यू 500 के लगभग बता रहा, तो ये ट्रांजिस्टर ठीक है और जो पुराना वाला है वो ख़राब है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ को न्यू लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा जो पावर सप्लाई ठीक होगा। यहाँ पे एक शॉर्ट की डायोड है जो कि 3 तार वाला है, जिसमें एक बीच वाली पॉइंट में रख के, और देखिए कुछ वैल्यू जो है आपस में चेक करेंगे तो आपका 200 के आसपास वैल्यू आपका आना चाहिए। शॉर्ट की डायोड का वैल्यू जो 200 आसपास और नॉर्मल डायोड का आपको 400 के आसपास, तो ये वैल्यू आपका आना ही चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे डायोड को रिमूव करेंगे और यहाँ पे न्यू डायोड को इंस्टॉल करेंगे। न्यू डायोड का भी जो वैल्यू है कितना होना चाहिए उसको भी आपको इस वीडियो में आपको चेक करके दिखाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा तभी जाके इसको समझ पाइएगा और इस चीज़ को कर पाएंगे। तो मल्टीमीटर को फ्रेंड पहले आपको डायोड के मोड में सेट करना है। डायोड मोड में एक्यूरेट आप किसी भी चीज़ को चेक कर पाएंगे, कंटिन्यूटी में कभी ना टेस्ट करें। तो देखिए डायोड मोड में टेस्ट कर रहा हूँ, देखिए 400 के आसपास वैल्यू आ रही है, 500 के लगभग आना चाहिए, 400 के आसपास भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डायोड हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। तो इन सही डायोड को मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। तो चलिए यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं फ्रेंड। तो मल्टीमीटर का आपको ध्यान रख के ही यूज करना, कंटिन्यूटी में कभी ना टेस्ट करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बनाए जो कि कंटिन्यूटी में आपको टेस्ट करके दिखाए होंगे। हम उन चैनलों का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन आप वीडियो देखेंगे जहां पे कि कंटिन्यूटी, लेकिन कंटिन्यूटी में टेस्ट नहीं करना है, डायोड के निशान में ही टेस्ट करना है आपको, डायोड के ही मोड में टेस्ट करना है। कभी भी डायोड चीज़ को टेस्ट करें, ट्रांजिस्टर टेस्ट करें या किसी भी चीज़ को टेस्ट करें। नॉर्मल कंटिन्यूटी टेस्ट आपका जो है फ्रेंड एक वायर को टेस्ट करने के लिए है, बीप की साउंड के लिए। तो अगर ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको टेस्ट करना है तो डायोड मोड, मेरे हिसाब से आप जैसा भी टेस्ट कर सकते हो, सब कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कंपोनेंट को सही कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अपना जो डायोड को मैंने इंस्टॉल कर लिया हूँ, अब एक ट्रांजिस्टर को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे जो कि 13003 करके कुछ है, जो नंबर आपका सेम होगा उस नंबर को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए मैं ट्रांजिस्टर को इंस्टॉल कर लिया हूँ और इसको फ्रेंड मोड़ देंगे और यहाँ पे अच्छे तरीके से सोल्डरिंग कर लेंगे।
तो चिली फ्रेंड हमारा जो हो चुका है और इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे सोल्डरिंग करेंगे। तो चिली फ्रेंड ये दो चीज़ ही इसमें लगाना था, उसके बाद जो है आपका पावर सप्लाई सही हो जाएगा। और इसके बाद भी कभी कभी होता है फ्रेंड जिन्हें डायोड या कोई कोई छोटा छोटा ट्रांजिस्टर भी कभी काल ख़राब होता है, तो इसमें उतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इस पावर सप्लाई को इजीली आप अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में अगर इससे भी बड़ा पावर सप्लाई हमारे पास आएगा रिपेयर के लिए, तो मैं ज़रूर ही आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा और उस पावर सप्लाई को भी कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में भी बताऊँगा। तो चलिए मैं इसको चेक करके आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ मेरे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमारा लाइन आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड एक यहाँ पे फ्यूज लगा लेते हैं, जो कि बाद में शॉर्ट होने से हमारा जो फ्यूज फिर से कटे, तो ऐसा कभी शॉर्ट ना हो भगवान करे। तो आप भी इजीली इसको रिपेयर करना है तो इस फ्यूज का ज़रूरी मदद ले, क्योंकि फ्यूज एक आपका प्रोटेक्शन का ही काम करता है, कुछ होने नहीं देता किसी चीज़ को या ज़्यादा हानि से बचाता है। तो यहाँ पे माइका का यूज करेंगे फ्रेंड, जो कि ट्रांजिस्टर हमारा बॉडी के साथ ग्राउंड ना हो और मुझे शौक ना लगे पावर सप्लाई का पकड़ू तो ऐसा वैसा चीज़ है इसमें। तो माइका का यहाँ पर यूज कर रहे हैं फ्रेंड, तो ये माइका को यहाँ लगा दिया और इस माइका को ट्रांजिस्टर के आसपास रहेगा। माइका से आपका ग्राउंड होना नहीं चाहिए बॉडी के साथ, मल्टीमीटर से आप टेस्ट कर लेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है, आपको शौक लगेगी। तो चलिए फ्रेंड इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कॉमेंट, और जो इस चैनल पर न्यू है फ्रेंड पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं जो भी अपलोड करूं वो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहती है, और हमारे चैनल पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे बहुत सारा बना हुआ है, आप जाके हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं और अपना इजीली कोई भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड। हमारे चैनल पर वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड लास्ट में आपको चेक करके दिखाते हैं, और आपको यहाँ पर पावर सप्लाई को बेहरी कैसे करेंगे कि 12 वोल्ट 13 वोल्ट 14 वोल्ट, तो यहाँ पे 14 वोल्ट तक इसमें पावर सप्लाई में दिया हुआ है। यहाँ पे एक पोर्ट आपको मिलेगा जिससे भी 12 वोल्ट पे सेट है, तो एक यहाँ पे छोटा सा पोर्ट मिलेगा, उस पोर्ट को घुमा के आप यहाँ पे वोल्टेज को बेहरी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको वोल्टेज को बेहरी करके दिखाते हैं। तो एक स्क्रू ड्राइवर लेना होगा मुझे यहाँ पे वोल्टेज को बेहरी करने के लिए, तो एक स्क्रू ड्राइवर से हम यहाँ पे वोल्टेज को डाउन करते हैं पहले। तो देखिए वोल्टेज लगभग 8 वोल्ट तक डाउन हो रहा है, और फिर इसको बढ़ाते हैं और यहाँ से वोल्टेज बढ़ के आपका 14 वोल्ट तक जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पर न्यू फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड तब तक के लिए बाय, फिर से नया वीडियो और इसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड।